मुझसे कई लोग पूछते हैं कि कोई कांग्रेस को वोट कैसे दे सकता है। मुझे लोग चैलेंज भी करते थे कि कोई एक कारण बताओ जिससे कांग्रेस को वोट किया जा सके। अब कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया तो मेरी तो आंखें खुल गई। तो आइए आप भी आंखें खोल कर देख लीजिए, एक नहीं पूरे 10 कारण कांग्रेस को वोट करने के लिए। बाद में मत कहना बताया नहीं था। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पर बात करते हैं। हालांकि ये हमारे 10 पॉइंट्स में से ऐसा पॉइंट है जो आपके दैनिक जीवन को सबसे कम प्रभावित करता है, लेकिन देश के लिए और आपके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स्ड स्पेशल पावर एक्ट। कांग्रेस का कहना है कि वो अफस्पा के कुछ प्रावधान हटा देंगे। इसका मतलब सेना को जो विशेष अधिकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मिले हुए हैं उनको कम किया जाएगा, यानी कश्मीर में सेना जो बंधे हुए हाथों से युद्ध लड़ती है उसके हाथों की रस्सी को और कस के बांध दिया जाएगा। इस पर ज्यादा कुछ बोलने या डिबेट करने का रह नहीं जाता। ऐसे गुरिल्ला युद्ध में जब आप तो सबको दिख रहे हो लेकिन हमलावर का पता नहीं किस घर किस गली से निकलकर हमला कर दे, अगर आपके हाथ बंधे हैं तो सोचिए आपकी लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी। मैनिफेस्टो में एक प्रावधान है टॉर्चर इम्यूनिटी को अफस्पा से बाहर लाना। मतलब ये कि पूछताछ में कोई आतंकवादी या उसके सहयोगी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते। उनको चाय पिलाइए, खाना खिलाइए और हाथ जोड़कर कहिए प्लीज अपने साथियों का नाम बता दो। ऐसी ही सरकार चाहते हैं ना आप? मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर से सेना को कम करने की बात भी कही गई है। दरअसल सेना की मुस्तैदी के चलते हाफिज सईद और मसूद अजहर को पत्थर फेंकवाने और आतंकी ट्रेनिंग देने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उनकी मदद के लिए सेना को कम किया जाएगा। नंबर दो, अगली सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है देशद्रोह का कानून। मतलब आप भारत का तिरंगा जला दीजिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए यूनिवर्सिटी में नारे लगाइए, आतंकवादियों के समर्थन में पुलवामा हमले का जश्न मनाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। मोदी की इस बेरहम सरकार ने इन सब कामों पर प्रतिबंध लगा रखा है। मोदी तो मोदी, योगी जी ने भी सरेआम घोषणा कर रखी है कि यूपी में कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं फहरा सकता। लेकिन कांग्रेस नफरत नहीं प्यार में विश्वास रखती है। अलगाववादियों से प्यार, मसूद अजहर जी और हाफिज सईद साहब से प्यार, नक्सलियों से प्यार और टुकड़े टुकड़े गैंग से प्यार। नंबर थ्री जाता है लिंचिंग लॉ के नाम। कांग्रेस एक नया कानून लाएगी। अब आप कहेंगे कि लिंचिंग के खिलाफ तो पहले से ही कानून है, दंगे करने और दंगे भड़काने के खिलाफ भी हैं। समझे नहीं आप? देखिए ये तो आप जानते हैं कि लिंचिंग तो एक धर्म विशेष के लोग करते हैं तभी मानी जाती है। भटके हुए नौजवानों को तो ये कानून बचाने और खुश करने के लिए बनाया जाएगा। यूपीए 2 का कम्युनल वायलेंस बिल यानी सांप्रदायिक हिंसा बिल तो आपको याद होगा ना, बस वही आ रहा है नाम बदलकर। नंबर चार पर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये अधिकतर पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों के लिए है जहां हमारे बांग्लादेशी मेहमानों को इस सरकार ने परेशान कर रखा है। देश के लोग भूखे मर जाएं, देश के लोगों को रोजगार ना मिले, देश के लोगों के सर पे छत हो या ना हो, हमारे बांग्लादेशी मेहमानों के लिए देश में जगह होनी चाहिए, इसीलिए इस बिल को हटा दिया जाएगा। इसी के साथ जुड़ा है आधार की अनिवार्यता हटाना। इससे भी हमारे देश में रहने वाले 5 करोड़ बांग्लादेशियों को बहुत तकलीफ हो रही थी, और कांग्रेस का तो दिल ही कुछ ऐसा है, इसलिए वो आधार को अनिवार्य नहीं होने देंगे। अगले नंबर पर है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल। जी हाँ, वही जो पिछले 70 साल से देते आ रहे हैं, वही जो राइट टू एजुकेशन के बाद भी नहीं मिली, और वही जिससे पढ़कर बेरोजगारों की वो सेना खड़ी हो रही है जो इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रही है। नंबर 6 पर है GST। GST की दर को घटाकर 18% कर दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब जरूरत की चीजें जो 0% से लेकर 12% के अंदर आती थी उनको 18% कर दिया जाएगा, और इससे महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई की बात नहीं करनी है, दाल सब्जियां 2014 से भी सस्ती हैं और केबल टीवी से लेकर इंटरनेट सबके दाम घट गए हैं, इसलिए महंगाई का नाम भूलकर भी मत ले लेना। लोग भूल गए हैं यूपीए के दिनों की महंगाई, उन्हें याद आ जाएगा। बस बेरोजगारी, असहिष्णुता, GST, संविधान, ये सब बोलते रहो बार बार। नंबर 7 है महिला आरक्षण बिल। जी हाँ, वही बिल जो 10 साल तक यूपीए पास नहीं करा पाई, कांग्रेस फिर से पास कराएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाजपा राम मंदिर बनवाएगी। ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी पर महिला आरक्षण बिल लाएगी। नंबर 8, मानहानि।
यानी डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस ना होकर एक सिविल ऑफेंस होगा। ये घोषणा तो उन्होंने केजरीवाल जी की सुविधा के लिए की है। वही हैं जो किसी पर भी आरोप लगा देते हैं सबूत के साथ, और जब कोई उन्हें अदालत में घसीट कर ले जाता है तो उनके सबूत खो जाते हैं, तब उन्हें बोलना पड़ता है सॉरी शक्तिमान। नंबर 9 पर है न्याय योजना। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि गरीबों को न्याय दिलाकर रहेगी, जैसे 1947 से दिला रही है अब भी दिलाती रहेगी। इस बार राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे। अब मोदी सरकार ने 2G 3G की नीलामी तो सब डिजिटल कर दी, वहां तो खा नहीं सकते, इसलिए गरीबों की योजना लाएंगे और वहां खाएंगे। अविश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस योजना को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जीजा जी को दी जाएगी। और नंबर 10 पर है कलाकारों की आजादी, सांस्कृतिक संस्थाओं को आजादी। मोदी की बेरहम सरकार ने तो कलाकारों का जीना मुश्किल कर दिया है। कलाकारों को आजादी तो कांग्रेस के टाइम पर थी, जब नेहरू ने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और एक्टर बलराज साहनी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने नेहरू के खिलाफ कविता पढ़ी थी और उसकी माफी मांगने से मना कर दिया था। आजादी तब थी जब इमरजेंसी में किशोर कुमार को ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मुंबई की कांग्रेस रैली में गाना गाने से मना कर दिया था। मोदी ने सब कलाकारों को जेल में डाल रखा है, अब जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उन्हें आजादी दिलाई जाएगी। ये 10 कारण बहुत हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। आपके पास अगर कोई कारण है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।